दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुबोटा का चैन हार्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कुबोटा का ही हार्वेस्टर क्यों ज्यादा अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए होने वाला है, और कुबोटा ऐसा क्या खासियत देता है दोस्तों, इंजन पावर क्या निकल के आता है, इसमें जो पार्ट्स की क्वालिटी वो कैसा मिलने वाला है, ऑपरेटिंग कैसा होने वाला है, वो सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये है दोस्तों कुबोटा का आप चैन हार्वेस्टर देख रहे हैं। इसका आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी लुक आपको मैं दिखाऊं चारों तरफ से दोस्तों, तो एक बार आप लुक देख सकते हैं इसका काफ़ी शानदार लुक के साथ, और काफ़ी इजी मेंटेन के हिसाब से ये कुबोटा का हार्वेस्टर आता है। आज मैं हूं दोस्तों आपके शहर धमतरी पे, और मैं आया हूं दोस्तों नटराज ट्रैक्टर में, और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं सलत सर का। सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और सर ये जो कुबोटा का चैन हार्वेस्टर है, आखिरकार इसकी क्या खूबियाँ हैं सर, और क्या इसका पावर निकल के आता है? पावर की बात करें सर, तो ये इसका जो मॉडल है DC68G जी, DC68G मतलब इस 68 HP का हार्वेस्टर है जी। और हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से देखा जाए, विशेषकर हमारे इस एरिया के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 68 HP का होने के कारण जैसे कि कुबोटा की खासियत है कि इसके किसी भी प्रोडक्ट में वाइब्रेशन नहीं होता है। बिल्कुल सेम ये इसमें भी लागू होता है हार्वेस्टर में जी। 68 HP का होने के कारण इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, और ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होने के कारण इसमें टूट फूट बहुत कम आती है। सही है। दूसरा 68 HP होने के कारण इसका डीजल कंजम्पशन भी दूसरों के मुकाबले कम होता है, कम होगा। कई किसान बोलते हैं कि हमको हायर HP का भी चाहिए, तो कुबोटा के पास 120, 125, 135 HP के भी हार्वेस्टर आते हैं। पर अपनी वातावरण के आधार पर और उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे अच्छा है, इसको सर्वगुण संपन्न हार्वेस्टर अपन बोल सकते हैं। अच्छा सर, मैं जहाँ तक देखा हूँ अधिकतर मार्केट में जो कॉन्सेप्ट है कि कुबोटा का जो हार्वेस्टर है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर है, तो आखिर कुबोटा जो ज़्यादा प्राइस दे रहा है वो किस चीज़ों का ले रहा है सर? क्वालिटी जी। हाँ भाई, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ लेंगे तो बट नेचुरल आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बाजार में ओरिजिनल चीज़ भी मिलती है और उसी के दिखने जैसे वाली डुप्लीकेट चीज़ भी मिलती है। बिल्कुल, आप डुप्लीकेट दिखने वाली चीज़ को या उसके समतुल्य अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपको सस्ती मिल जाएगी जी। हाँ। लेकिन जब आप उसका उपयोग करेंगे तब आपको पछतावा होगा। बिल्कुल सही है। तो रेट इसका ज़्यादा नहीं है जी। इसमें क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है। इसके किसी भी आप पार्ट्स को छू के देख लीजिए, चाहे नट को छू के देख लीजिए, बेल्ट को छू के देख लीजिए, कटर को छू के देख लीजिए, कलर क्वालिटी को देख लीजिए, कोई भी चीज़ को छू के देख लीजिए, इसमें आपको हर जगह क्वालिटी नज़र आएगी। बिल्कुल। और कंपनी सर इसका कितना वारंटी का पॉलिसी दे रहे हैं? कंपनी में 1000 घंटे की इसकी वारंटी है। अच्छा सर। हाँ, जिसमें इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक तीनों कवर होते हैं जी। उसके अलावा जैसे ये ट्रैक देख रहे हैं जी, हाँ इसमें भी 1000 घंटे की वारंटी है जी। हाँ जी। हाँ। वैसे अभी तक हम पिछले सीजन में जो मशीन बेचे हैं जी, उसमें कई मशीनें 1500 घंटे भी चल चुकी है जी, इसमें अभी तक टायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अच्छा सर। और दोस्तों अगर आपने 1000 घंटा चला भी लिया तो ये हार्वेस्टर ऐसा है कि आपने इसको पूरा तरीके से वसूल चुके हैं। आप किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो रहा है ऐसा चैन हार्वेस्टर, क्योंकि गीले खेत में आपको हार्वेस्टिंग करना बहुत ही सिरदर्दी और बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आज के समय में लेबर भी नहीं मिल पाते हैं, और उसके लिए तकनीकी ऐसा निकलना ज़रूरी था। और ये रहा दोस्तों आपके सामने कुबोटा का चैन हार्वेस्टर आप देख रहे हैं। सर इसके और भी लोगों के मन में जो सवाल हैं कि जैसे इसका पार्ट्स को लेकर है कि चैन हार्वेस्टर तो लोग ले आते हैं लेकिन पार्ट्स के लिए अगर एक दिन भी उनका हार्वेस्टर खड़ा हो गया तो काफ़ी नुकसान झेलना होता है, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिए क्या है सर? पूरे पार्ट्स उपलब्ध हैं जी। इसमें कुल मिला के 13 प्रकार के बेल्ट लगते हैं जी। और वैसे भी जब आप इसको नया मशीन जब खरीदते हैं तो कंपनी बहुत ज़्यादा तादाद में आपको इसमें एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी उपलब्ध कराती है, और शुरुआत के सालों में तो आपको स्पेयर पार्ट्स की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। हाँ सर। और छत्तीसगढ़ में लगभग 7 डीलर हैं हम लोग, और कंपनी की जो सर्विस पॉलिसी है बहुत अच्छी है जी। पहली बात तो अगर हम हार्वेस्टर बेच रहे हैं तो हार्वेस्टर बेचने के पहले कंपनी हमारे को प्रॉपर हमको पहले वर्कशॉप बनवाती है जी, वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का हमसे स्पेयर पार्ट्स खरीदवाती है, उसके बाद हमको ये बिल होता है। ऐसा नहीं कि बेचने के लिए हम मशीन ले, पहले हम स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, अपने मैकेनिक को ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही मशीन उपलब्ध होती है। तो पार्ट्स के लिए किसान भाइयों से ये निवेदन है कि निश्चिंत रहें जी। हाँ। आपको ओरिजिनल पार्ट्स समय पे मिलेगा, समय पे मिलेगा। हाँ। और ये बहुत ज़रूरी सर, क्योंकि सीज़न होता ही कितने दिन का है, 30-45 दिन का जो है इसमें, इसकी जो क्वालिटी है जब इसमें आप धान काटते हैं तो पहली बात तो आपको लेबर से भी सस्ता पड़ता है जी। हाँ। दूसरा जो जब लेबर धान काट के उसका गट्ठल बनाता है, उस बीच में जो धान गिर जाता है वो भी लॉस होता है, इसमें वो भी लॉस नहीं होता जी। हाँ। इसमें मैं 1% के बराबर आपका धान का वेस्टेज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर साथ ही ये भी बताइए आप, जैसे कोई किसान भाई अगर ले जाना चाहता है इसको,
तो उसके लिए प्रॉपर आप ट्रेनिंग वगैरह भी देते होंगे कि इसे चलाना कैसा है ऑपरेट करने के लिए? इसके जब आप लेंगे ना, वैसे तो जो कस्टमर सोचता है हार्वेस्टर लेना तो वो जनरली संपन्न कस्टमर होता है और कहीं ना कहीं वो हार्वेस्टर के की जानकार रहता है और नहीं भी रहता है तो इसमें हिंदी की इसके ऑपरेटर मैनुअल बुक आती है और इतना इजी है कि जो भी कस्टमर जो भी आदमी ट्रैक्टर चलाता है वो केवल दो घंटा या 3 घंटा अगर किसी को चलाते हुए देख लेगा तो इसको बहुत आसानी से चला लेगा। बहुत आसान है चलाना इसमें। ये देखिए, ये इतना अच्छा दिया है कि कस्टमर या मैकेनिक जब काम सर्विस करने आता है तो कंजेस्टेड नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर उसका इंजन है, पंप है, ये फिल्टर बदलने का है, ऑयल जैसा ट्रैक्टर होता है जी हाँ सर, वैसा ही है। बहुत इजी है। दूसरे मशीन आप अगर देंगे देखेंगे तो आपको वहाँ इतनी जगह नहीं मिलती, काम करने नहीं मिलेगी जी। तो सर्विस करने के लिए आपको आधा से एक घंटा खराब हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर मुश्किल 10 मिनट में आपका आदमी काम करके बाहर निकल जाएगा। प्लस ये जगह इतनी है कि जब धान काटता है तो गीली मिट्टी फंस जाती है जी, वो निकालने का जगह नहीं होता। यहाँ इतनी जगह है कि आप मिट्टी को भी आराम से निकाल सकते। दोस्तों यूं ही जो कुबोटा है आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं इसका वुड पार्ट भी देख सकते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी का। ये मैं हल्का सा पुश कर रहा हूँ दोस्तों और ये लॉक हो गया। इतना इजी टू मेंटेन ये कुबोटा, ऐसा ही आपसे ज्यादा चार्ज नहीं ले रहा है दोस्तों। और चढ़ना उतरना भी काफी ईजी है। जैसे मैं अगर चढ़ के बताऊँ तो यहाँ पे फुट स्टेप आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी वे पे मैं यहाँ पे चढ़ सकता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चैन वाले हार्वेस्टर के ऊपर और मैं यहाँ पे कम्फर्टली बैठ चुका हूँ। मेरे को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही सीटिंग में और ना ही बोट के हाइट को लेकर। और सारे फंक्शन, चाहे रील के हो, थ्रेसर के ऑपरेट करना हो, हार्वेस्टर के पूरे ऑपरेटर मेरे आसपास ही पूरे सारे सिस्टम इसमें दिए हुए हैं। मैं इसे चालू करके भी दिखाता हूँ, इसके साउंड क्वालिटी भी आपको सुनाऊँगा कि इसका साउंड कैसा आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इंजन इसका ऑन हो चुका है। वाइब्रेट मुझे बहुत ही कम इसमें एहसास हो रहा है और वाइब्रेट बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है दोस्तों इसका। दोस्तों हार्वेस्टर के ऊपर आ चुका हूँ मैं। ये है आपका रील के लिए, आपको अप डाउन करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है। ये आपके हार्वेस्टर को राइट लेफ्ट आगे पीछे अप डाउन करने के लिए इसमें आपको यहाँ पे लीवर दिया गया है ताकि आप हार्वेस्टर को राइट लेफ्ट दिशा में मोड़ सके। साथ ही यहाँ पे आपको चाबी मिलने वाली है जिसका यहाँ पे स्विच आपको मिलेगा जिससे आपकी हार्वेस्टर यहाँ से चालू हो गई। ये इसका स्पीडोमीटर जो आपको सेमी डिजिटल के साथ मिलने वाला है, आप इसके देख सकते हैं दोस्तों। इसमें सारे आपको मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, चाहे बैटरी का हो, ऑयल को लेकर हो, कितने हावर आप चला चुके हैं, फ्यूल कैपेसिटी कितनी बची हुई और कितने आरपीएम पे आप इसे चला रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको इसी में ही मिलने वाली है। वहीं लेफ्ट साइड में दिखाऊँ तो आपको हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, लाइट के सारे स्विच मिलेंगे। ये रहा दोस्तों इसका हाई लो और न्यूट्रल के लिए लीवर दिया गया है। ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यहाँ पे आपको गियर मिलने वाला है दोस्तों। ये रहा इसका एक्सीलेटर, आप इतना एक्सीलेटर पे इसे आरपीएम पे चलाना चाहते हैं। ये है आपका थ्रेसर को ऑन करने के लिए और ये है आपका रील को चालू करने के लिए, दो लीवर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और वहीं अगर मैं आपको लेफ्ट साइड लेकर चलूँ तो यहाँ आपको मिलेगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ये रहा आपका धान को खाली करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है एयर क्लीनर और उसी के नीचे आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर इस कुबोटा के चैन वाले हार्वेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने हार्वेस्टर बहुत दौड़ा लिया, रोकेंगे कैसे? ये रहा दोस्तों आपके लिए ब्रेक जिससे आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल होगी, रुकेगी। और दोस्तों ये रहा आपका चैन वाले हार्वेस्टर कुबोटा जिसका आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि हमें वीडियो चाहिए। दोस्तों ये रहा आपका थ्रेसर कंपार्टमेंट जहाँ पे धान की अच्छे से मिंजाई की होती है और ये चैन वाले का पूरा आप पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है और यहाँ से आपके जो दाने हैं सीप के माध्यम से नीचे गिरते हैं और काफ़ी साफ दाने आपको मिलते हैं इसमें। ये रहा दोस्तों आपका कुबोटा का चैन वाला हार्वेस्टर। बाकी अदर कंपनियों से या अदर चैन वाले हार्वेस्टर से क्या क्या खासियत था आज इस वीडियो में आपको मालूम चल ही गया होगा। और सारे फंक्शन आपको एक ही जगह पे मिल जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का कुबोटा का चैन वाला हार्वेस्टर आपको मिलने वाला है और मैं बात भी करूंगा दोस्तों सलाह सर से, वो फाइनेंस की भी क्या सुविधा आपको प्रदान करा रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये कुबोटा का हार्वेस्टर लेना चाहते हैं और बजट भी आपका कम है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप फाइनेंस में भी ये हार्वेस्टर ले सकते हैं। सर फाइनेंस की क्या प्रक्रिया है वो भी आप बताएंगे? बहुत इजी है, जैसे ट्रैक्टर फाइनेंस करते हैं वैसे ये भी हार्वेस्टर फाइनेंस होता है जी। इसमें लगभग 17 लाख रुपए कोई भी प्राइवेट फाइनेंसर बहुत इजी फाइनेंस कर देता है। अच्छा सर। और अगर आप नेशनलाइज बैंक से जाएंगे तो 19 लाख 20 लाख रुपए फाइनेंस हो जाता है। अच्छा डिपेंड करता है नेशनलाइज बैंक में कि आपकी
लोन और कोई दूसरी जगह में मत हो ना हो, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी और भी जगह से लोन लिए हुए हैं और आपका किस समय पे पट रहे हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आपको फाइनेंस 17 से 18 लाख रुपये हो जाएगा। 17 से 18 चार साल के लिए 6 माह किस्त में पटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लगभग इसका डाउन पेमेंट कितना देना होता है सर? केवल मशीन के लिए मोटा मोटा 10 लाख मान के चलिए। 10 लाख लगभग देने से फाइनेंस आगे ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा विकल्प है, यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स और सारी सुविधा के साथ मिलेगा। चले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कुबोटा जो है इस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जो अभी मार्केट में काफ़ी अच्छे काम कर रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।